विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों का परिसीमन करने वाले आयोग ने नए चुनावी नक्शे का ड्राफ्ट सौंप दिया है। इसमें जम्मू को 6 सीटें अतिरिक्त देने और 1 सीट कश्मीर में बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा 16 सीटें दलितों और आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित की गई है। इस ड्राफ्ट को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत कई दलों ने आपत्ति जताई है। 2011 की जनगणना के मुताबिक आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर घाटी में जम्मू के मुकाबले 15 लाख आबादी अधिक है। ऐसे में विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, जम्मू को 6 अतिरिक्त सीट देने का अर्थ राजनीति का केंद्र कश्मीर से अलग हटाना है। दरअसल 5 अगस्त 2019 से पहले तक राज्य में 87 विधानसभा सीटें थी। राज्य के पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर में 83 सीटें बची। इनमें से 37 सीटें जम्मू और 46 सीटें कश्मीर में थी। अब जम्मू में 6 सीटें बढ़ेंगी और आंकड़ा 43 हो जाएगा और कश्मीर में कुल सीटों की संख्या 47 होगी। इस तरह केंद्र शासित प्रदेश में 90 सीटें हो जाएंगी। दरअसल आपको बता दें कि इसे लेकर भी आपत्ति है कि जम्मू और कश्मीर संभाग के बीच में पहले जो 9 सीटों का अंतर था वे अब 4 का ही रह जाएगा। इसके अलावा दलित और आदिवासी समुदाय के आरक्षण से भी गणित अब काफी बदल सकता है। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन आयोग ने अपने ड्राफ्ट में जम्मू संभाग के कठुआ, उधमपुर, सांबा, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी जिले और साथ ही साथ इसमें 1-1 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा कश्मीर के कुपवाड़ा में भी 1 सीट बढ़ाने की बात कही गई है। दरअसल कठुआ, सांबा और उधमपुर हिंदू बहुल जिले हैं। यहाँ हिंदू समुदाय की आबादी 86-88% के बीच है। इसके अलावा किश्तवाड़, डोडा और राजौरी में भी भले ही मुस्लिम आबादी अधिक है लेकिन हिंदू भी 34-45% तक है जो चुनावी गणित बदलने का दम रखते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के आलोचकों का कहना है कि इस नए ड्राफ्ट को आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इनमें उन जिलों को ज्यादा सीटें दी जा रही है जहां पर हिंदू आबादी अच्छी संख्या में है। बीजेपी लंबे समय से जम्मू को विधानसभा में कम प्रतिनिधित्व मिलने का मुद्दा उठा रही है। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पहली बार इस इलाके में 25 सीटें जीत पाई थी और पीडीपी के साथ सत्ता में भागीदारी उसने की थी। पहली बार राज्य की सत्ता में हिस्सेदारी रखने वाली बीजेपी को लगता है कि जम्मू की सीटें बढ़ने से वे अकेले दम पर भी सत्ता में आ सकती है। ऐसा नहीं होता तो वह सीनियर पार्टनर के तौर पर गठबंधन में शामिल होने की ताकत हासिल कर लेगी। दरअसल विधानसभा में पारित प्रस्ताव के तहत राज्य में 2031 तक परिसीमन नहीं हो सकता था और लेकिन 2019 में राज्य का ही पुनर्गठन हो गया। ऐसे में तत्कालीन विधानसभा से पारित नियम का कोई औचित्य नहीं बचा और अब नए सिरे से परिसीमन हो रहा है। तो परिसीमन आयोग का प्रस्ताव तैयार हो चुका है और ऐसे में 6 सीटें जम्मू में बढ़ाने का प्रस्ताव है जबकि 1 कश्मीर में बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जाहिर तौर पर नए परिसीमन के साथ ही राजनीतिक मायने क्या है ये भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे और इस विषय पर आज तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। गिरधारी लाल रैना जिस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी कश्मीर के। शौकत चौधरी जिस वक्त हमारे साथ है, सेक्रेटरी है पीडीपी कश्मीर के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा गिरधारी लाल रैना जी आपसे ही है। गिरधारी लाल जी, जो प्रस्ताव तैयार किया गया है इसके तहत अब क्या लगता है सरकार को किस तरह का बदलाव जम्मू कश्मीर में आएगा और इसका क्या औचित्य है सर? देखिए, औचित्य तो इसका सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जो जिस प्रकार से यहाँ के संविधान ने, देश के संविधान ने डिलिमिटेशन का प्रोसेस रिकमेंड किया है उसके अनुसार लोगों को, जम्मू कश्मीर की जनता को न्याय मिले, उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो, ये इसका सीधा सा औचित्य है। इसके अनुसार जो अभी तक जो यहाँ की स्थानीय सरकार ने 370 के होते हुए जो अन्याय किया था जिन क्षेत्रों के साथ, जिन समुदायों के साथ, उस अन्याय को समाप्त करने की तरफ कुछ
कदम बढ़ रहे हैं, हालांकि बढ़ा नहीं जा रहा है। बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन था। आप मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर दे दूं, हम श्रीनगर शहर की अगर बात कर लेते हैं कि एक 8 सीटों से वो निर्भर है, एक घंटे में आप 8 सीटें घूम कर आ सकते हैं। वहीं पर आप कुपवाड़ा चलेंगे, पहलगाम चलेंगे और हिली एरियाज में चलेंगे तो दो दो दिन के बाद आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर जहां पर पहले राजनीतिक दल अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में बना रहे थे, अब फियर और एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकमेंडेड है उसके आधार पर ये रिकमेंडेशन परिसीमन हो रहा है, ये इसका औचित्य है और इसका सीधा सा जो परिणाम हमको ग्राउंड में मिलेगा। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। शौकत चौधरी जी भी हमारे साथ बने हैं। शौकत जी, क्या वजह है कि इसका विरोध पीडीपी की तरफ से किया जा रहा है? शुक्रिया मैम। देखिए, मेरा ये कहना है कि पीडीपी ने फर्स्ट डे से ये कहा था कि ये जो कमीशन बनाया गया है, जो डिलिमिटेशन कमीशन है, ये गलत है और ये बीजेपी ने अपने फायदे के लिए और अपने पॉलिटिकल एजेंडे को जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए इस कमीशन को जो है वो अपॉइंट किया है। क्योंकि पहली बात मैं बताना चाहूंगा मैडम, पूरे हिंदुस्तान में 26 जो ये मेरा कहने का मतलब है कि 2026 तक डीलिमिटेशन को जो है प्रोसेस को फ्रीज किया गया और वो भी बीजेपी की सरकार में जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी होते थे। क्या वजह बन गई, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर जो है वो डिलिमिटेशन प्रोसेस नहीं है और जम्मू कश्मीर में जो है वो डिलिमिटेशन नहीं। आपने कहा बीजेपी अपने फायदे के लिए ऐसा कर रही है, क्या फायदा बीजेपी का? मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे अभी हमारे साथी जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, ये कह रहे थे कि जम्मू शहर की बात, श्रीनगर शहर की बात करें तो एक घंटे में आप 8 की 8 सीटों पर जो है वो आप दौरा करके आ सकते हैं, मगर जो दूर दराज इलाके हैं वहां पर 2 दिन भी लगते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जम्मू शहर की जितनी भी सीटें हैं आप देख लीजिए, उनको भी 1 घंटा लगता है घूमने में। लेकिन अगर मैं रजौरी की बात करूं या मैं डोडा किश्तवाड़ की बात करूं तो वाकई में ही 2 दिन लगते हैं। लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से और सरकार से ही मैं समझना चाहूंगा कि आप ये बताइए कि आपने क्या पैरामीटर्स लिए हैं, क्या किस पैमाने से आपने ये चीजें तोली हैं कि जहां पर पॉपुलेशन बेस्ड क्राइटेरिया है अगर तो कश्मीर में आप 1 सीट दे रहे हैं वो भी कपवारा में, और जम्मू में आप 6 सीटें दे रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि जम्मू से बीजेपी को लास्ट असेंबली में 25 सीटें मिली थी और कश्मीर वैली से कोई सीट नहीं मिली थी। और बीजेपी जो है वो अपने फायदे के लिए, अपने फायदा बताइए ना सर, मैं आपसे बार बार ये पूछ रही हूं, फायदा बताइए, क्या फायदा है बीजेपी का? जी जी मैडम, क्या फायदा है बीजेपी का? नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ, बीजेपी को जिस रीजन से 25 सीटें मिली हैं वहां पर बीजेपी जो है वो किसी क्राइटेरिया को फॉलो ना करते हुए वहां पर 6 सीटें दे देते हैं आप, और जहां से आपको 1 भी सीट नहीं मिली है क्योंकि वो दूसरी पार्टीज को जो है वहां पर स्ट्रांग होल्ड है, वहां पर आप 1 सीट देते हैं और आपका क्राइटेरिया जो है वो पॉपुलेशन है, कश्मीर रीजन की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर सीटें ज्यादा बढ़नी चाहिए। तो ये रीजनल जो इम्बैलेंस क्रिएट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ये कश्मीर को और जम्मू को जो डिवाइड करने के लिए जो फर्दर को काम किया जा रहा है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। हम इस कमीशन की जो ड्राफ्ट है इसको रिजेक्ट करते हैं क्योंकि ये पॉपुलेशन बेस्ड और ये बाकी वाले क्राइटेरिया जो हैं उनको फुलफिल नहीं करता है, ये बीजेपी के एजेंडे को जो है वो फुलफिल करता है। ठीक है, एक सवाल यहाँ पे गिरधारी जी, अब इस बात को लेकर भी है, दो चीजें उन्होंने कही, एक तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से आखिर क्या क्या पैमाना आप लोगों का रहा, पहले तो ये बता दीजिए कि किस पैमाने के हिसाब से ही ये जो सीटें हैं वो बढ़ाई गई। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बीजेपी अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए परिसीमन बीजेपी ने किया है, तो क्या एक हिंदू मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतना तिकड़म भिड़ाया गया क्या?
देखिए जो पार्टियों को लोगों ने रिजेक्ट किया है वो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को रिजेक्ट करेंगे या उनकी रिकमेंडेशन को रिजेक्शन करेंगे तो उसका बहुत ग्राउंड पर अंतर पड़ता नहीं है। जहां तक इनका ये जो आरोप है ये अपने उस पुराने डिस्क्रिमिनेटरी रवैये को कायम रखना चाहते हैं। कोई जवाजियत नहीं थी अगर हम 1952 से देख लेते हैं कि क्यों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के साथ भेदभाव कैसे हो रहा था। और कश्मीर घाटी में भी मैं कह रहा हूं ये सिर्फ कश्मीर और जम्मू की बात नहीं है, ये मैं कश्मीर घाटी में भी कुछ एरियाज को जहां पर जो पॉलिटिकल आउटस्पोकन लीडर्स थे उनके जो स्ट्रांग होल्डर्स थे उनको स्ट्रेंथन कर रहा था। ऐसा पुराना सिस्टम था। नए सिस्टम में जो परिसीमन आयोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनता है उसमें पॉपुलेशन एक फैक्टर है, बाकी फैक्टर्स भी हैं। अगर आपने उत्तराखंड की परिसीमन को देखा होगा हिली एरियाज और प्लेन एरियाज में डिफरेंस है और वो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकमेंडेड 10% प्लस माइनस वो पॉपुलेशन को एवरेज के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनली रिकमेंडेड है और वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में परिसीमन आयोग का जो एक्ट बना है पास नहीं हुआ है, वो बहुत पुराना है, इसलिए पहले तो वो जानकारी रखनी चाहिए। दूसरी बात जो ये कहते हैं कि किसी को हमारे यहाँ पर हम मानते हैं कि 90 सीटों का परिसीमन होना है और वो डिस्ट्रिक्ट जैसे आप नेशनल लेवल पर देखते हैं अगर पार्लियामेंट की सीट्स को आप डिलिमिट करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हर स्टेट को कितनी मिलेंगी, इस प्रकार का एक जो फॉर्मूला बनता है उस हिसाब से स्टेट को मिलते फिर स्टेट में वो डिवाइड होती है। ऐसे ही स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट को अलॉटमेंट हुई है, ये कोई जम्मू में नहीं बढ़ी है, जो ये बड़ी है डिस्ट्रिक्ट्स में। आप देखेंगे कि जम्मू हालांकि बहुत बड़ा क्षेत्र है लेकिन इसकी सीट एक भी नहीं बड़ी है। यहाँ पर पॉपुलेशन अगर पर कॉन्स्टिट्यूएंसी आप देखेंगे 2 लाख के लगभग है लेकिन फिर भी जम्मू में कोई सीट नहीं। सर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि आप लोगों को परिसीमन कराने की नौबत आ गई? इससे पहले मैं बता रहा हूँ पहले यहाँ पर सिर्फ 83 सीट्स हुआ करती थी, उसको 90 में डिवाइड करना है, उसको आप किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट या पीडीपी के प्रेसिडेंट के मर्जी के हिसाब से तो नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तो परिसीमन आयोग ही बनेगा ना, वही करेगा। और इनका इन पार्टियों का दोगलापन आप देख लीजिए, चुनाव करवा दीजिए कहते हैं, चुनाव के लिए जो परिसीमन आवश्यक है आप उसमें रोड़े अटकाने हैं क्योंकि बेसिकली लोगों को फेस नहीं करना है। लोग परिसीमन कराए बिना क्या चुनाव नहीं हो सकते थे? क्या नहीं हो सकता था? 83 सीट्स में आप 90 सीट्स कैसे डिवाइड करेंगे? वो किसी की मर्जी से नहीं हो सकता ना। आप यहाँ पर 90 सीट्स है, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से जम्मू कश्मीर में अब 90 सीटें हैं जबकि हमारे पास जो 5 अगस्त 2019 से पहले तक राज्य में 87 सीटें विधानसभा की थी। लद्दाख की 4 थी ना जी, वो निकल ठीक है राज्य के पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर में 83 सीटें ही बची थी। अब शौकत जी अब सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र गिरदारी जी कर रहे हैं कि परिसीमन कराना जरूरी था, कह रहे हैं कि परिसीमन के बिना कैसे चुनाव संभव था? जम्मू कश्मीर में 83 सीटें ही बची थी एक बार फिर से जब इसका पुनर्गठन हुआ राज्य का, अब इसमें परिसीमन कराना बहुत जरूरी था। आप लोग एक तरफ मांग भी कर रहे हैं कि जी चुनाव हो, चुनाव के लिए जो चीजें जो प्रक्रिया होती है उसका तो पालन करना ही पड़ेगा, फिर आप इस परिसीमन को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं गिरदारी जी को बताना चाहूंगा कि ये जो बात आप कहते हैं कि हम आपकी रिजेक्शन को नहीं मानते हैं, तो सर हम आपको कोई ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी रिजेक्शन को मानिए और हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं वो आपसे कोई उम्मीद नहीं करते हैं। जो इस वक्त की बीजेपी की सरकार है उससे हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हमारी रिजेक्शन को जो है वो उसको कंसिडर किया जाएगा, बल्कि हम जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो हम अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं, आपको लगता है उसको कंसिडर करेंगे, नहीं लगता मत करिए। और जहां तक आप ये कहेंगे कि किसी पार्टी के कहने पर, हमारी पार्टी लास्ट इलेक्शन में जो इससे पहले जो असेंबली थी उसमें हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, क्या आपको समझ होनी चाहिए, और हमारे पास उस वक्त 28 सीटें थी जब आपकी पार्टी ने हमारे साथ अलायंस करके सरकार बनाई थी। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, हम बिल्कुल ये कह रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करवाइए लेकिन जो फॉर्मेलिटीज चाहिए जो लोगों की डिमांड है उसके ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं है। लोगों की डिमांड है कि आप स्टेटहुड को रिस्टोर करिए। सर लोगों की डिमांड के हिसाब से परिसीमन होगा? शौकत जी
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी हमारी डिमांड है कि आप जम्मू कश्मीर में पहले स्टेटहुड दे दीजिए, उसके बाद आप इलेक्शन करवाइए। उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है इनका। ये कहते हैं कि हम पहले डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि डिलिमिटेशन कोई फॉर्मेलिटी है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए? और मुझे ये बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त तक जो है वो 2024 तक प्रोसेस को सीज किया है। आप जम्मू कश्मीर में जो चीजें हमारे फेवर में होती है वहां पर आप आपको तकलीफ हो जाती है, आप कभी वो काम नहीं करते हैं। जो चीजें हमारे अगेंस्ट जाती है वो आप फटाफट कर लेते हैं, वो आप बहुत जल्दी में करते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करने की बात है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है ये आप वही एजेंडा चलाते हैं जो आपको सूट करता है, जो आपकी पार्टी को सूट करता है, जो आपके यहाँ जो लोग जम्मू में आपको ज्यादा सीटें मिलती हैं इसलिए आपने जम्मू में 6 सीटें दे दी। और ये आपको आप ये कहते हैं कि जम्मू में हमने पॉपुलेशन का जो है वो क्राइटेरिया नहीं रखा, हमने दूर दराज इलाकों को देखा है। आपने कश्मीर के कुपवाड़ा को, बारामूला को नहीं देखा, आपने कश्मीर के अनंतनाग को, पहलगाम को और दूसरी जगहों को नहीं देखा है, आपने बाकी सारी चीजों को नहीं देखा है। तो आप कैसे इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमने जो है वो बेहतर किया और ठीक किया है? ठीक है गिरधारी लाल जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, इनका कहना है कि जम्मू में आपकी ज्यादा सीटें आती है तो आपने वहां पर 6 सीटें दे दी है, जबकि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो कश्मीर घाटी में जम्मू के मुकाबले 15 लाख आबादी ज्यादा है। अगर सर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो घाटी में सीटें ज्यादा बढ़नी चाहिए थी। एक एक अगर हम रफ आइडिया भी ले 2011 की जनगणना के मुकाबले तो घाटी में ज्यादा बढ़नी चाहिए थी सीटें, लेकिन बढ़ाई गई जम्मू में। अब सर ये भी इनको समझा दीजिए या बता दीजिए कि आखिर क्या वजह है, किस क्या पैमाना रहा आप लोगों का? ईडीपी को समझाना है तो इनके हिसाब से तो डबल करेंसी, इनके शेयर्ड सोवरेंटी, वो बातों पर समझाने के लिए तो मेरे पास ना तो इतनी ताकत है ना वो समय है। लेकिन एक चीज देख लीजिए, पहले परिसीमन आयोग जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और उन्होंने जो क्राइटेरिया रखना है, अभी इंटरिम रिपोर्ट आई है इसलिए मैं सिर्फ जो पेपरों में छपा है या जो जानकारियां हमें मीडिया से मिलती है उसके आधार पर कह रहा हूं। उन्होंने क्या किया है कि जिस प्रकार से पिछली बार उत्तराखंड में हुआ था, डिफरेंट एरियाज में, जैसे जो डिफिकल्ट एरियाज है, आखिर जम्मू कश्मीर की सरकार भी यहाँ पर कुछ अलाउंसेस देते हैं अगर आप डिफिकल्ट एरियाज में काम करने जाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस एरिया की टोपोग्राफी और उस एरिया के लोगों को आपस में जो कम्युनिकेशन है उसमें डिफिकल्टी होती है। वही लागू होता है परिसीमन पर भी, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव को वही पैमाना नहीं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, श्रीनगर शहर आप ले लीजिए, आप 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पैदल 1 घंटे में घूम सकते हैं। सेम क्राइटेरिया आप पहाड़ों पर लागू नहीं कर सकते हैं। और यही उत्तराखंड में भी हुआ था, पॉपुलेशन का जो एवरेज बना था, जो टोटल मान लीजिए हमारे यहाँ 1,22,00,000 की आबादी है, ये 90 सीटों में डिवाइड हुआ, एवरेज लगभग 1,36,000 पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बनता है। इसमें प्लस माइनस 10% कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है। यही रिकमेंड किया है, मुझे अभी जानकारी नहीं क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड कि डिफिकल्ट एरियाज को ध्यान में रखकर 10% पॉपुलेशन को आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो प्लान एकदम सिटी जैसा, श्रीनगर शहर जैसा व्यक्ति है जो पैदल भी घूम सकता है, उसमें वही पॉपुलेशन रेशो नहीं रह सकता है जो पहाड़ पर, जैसे बांडीपुरा का आप पहाड़ देख लीजिए, उस पर आप सेम नहीं कर सकते। कंगन देख लीजिए, गांधरबल देख लीजिए, जम्मू देख लीजिए, किश्तवाड़ देख लीजिए, कठुआ देख लीजिए। तो परिसीमन आयोग ने पहले जो 90 सीटें हैं, पॉपुलेशन, एरिया और ये जो बाकी के क्राइटेरिया उसको ध्यान में रखकर डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया है, ऐसा जानकारी हमें मिलती है। अभी रिपोर्ट मेरे सामने नहीं है तो इसलिए उसके आधार पर जब फाइनल रिपोर्ट हमारे सामने आती है। दूसरा, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले, आज तक एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने यह दिया, तो इसका मतलब फिर एसटी लोगों को ही डिनाई करना था राइट, ये क्या जारी रखना था क्या? बाकी यहाँ पर जो बात आती है कि स्टेट पहले बनेगी, स्टेट तो समय पर, वो तो जब रिओर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ है माननीय गृह मंत्री जी ने उसी दिन कहा कि स्टेट वापस आएगी, लेकिन उसका एक अपना तरीका है, उसका एक अपना समय है, जहाँ पर पहले इलेक्शन होना। चलिए अब तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, इसकी भी संभावना बढ़ गई है ना गिरधारी जी, कि अब आने वाले वक्त में अगर चुनाव होता है तो गैर मुस्लिम एक
मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का देखने के लिए मिल सकता है? डालते हैं लोग, क्या उसका राइट नहीं बनता है? उसको आप बिना किस आधार पर करेंगे अगर कोई वो लोग वोट डालकर उसको ये बनाते हैं? ये हेट मोदी ब्रिगेड के अनुसार तो नहीं चल सकता। अगर लोग वोट देंगे तो बनेगा, वोट लोग नहीं देंगे तो फिर नहीं बनेगा। शौकत जी जल्दी से बात रखिए, जल्दी से, बस वक्त की कमी है, जल्दी से बात रखिए शौकत जी। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं कि एसटीज को हमने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, आज तक नहीं दिए किसी ने। ये जो काम जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं, जो इनको लगता है कि ये हमारे जो हमारे हमारा जो वादा है हिंदुस्तान के लोगों के साथ कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना हरास करेंगे और वहां से हम पॉलिटिकल फायदा उठाएंगे, वो सब जम्मू कश्मीर में करते हैं। आपने गुजर और पहाड़ी को यहाँ लड़वा दिया रिजर्वेशन के नाम पर, आपने जम्मू और कश्मीर को जो है वो सीटों के इम्बैलेंस की वजह से जो है वो आपने एक लड़ाई खड़ी कर दी है। आप सिर्फ इस चीज को रखते हुए कि हमने अपना हिंदू मुख्यमंत्री बनाना है, ये तो जम्मू कश्मीर के लोग तय करेंगे मुख्यमंत्री किसका बनेगा। और लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि आप आ जाइए, आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, आप आइए ग्राउंड में, जब इलेक्शन होगा आपको पता चलेगा कि आपने जो पिछले 8 साल सरकार दी है। चलिए बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर अब जम्मू कश्मीर की जनता ही तय करेगी कि आखिर मुख्यमंत्री हिंदू होगा या मुसलमान, लेकिन इस बीच परिसीमन को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति हावी होती जा रही है, विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।